व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ मेरा आईलुक वाला वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वैसे थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा, कुछ टाइम पहले मैंने अंशिका सोनी से आई मेकअप के क्लास लिए थे। काफी अच्छे से उन्होंने मुझे सिखाया था और उस वक्त काफी अच्छा मेरा हाथ भी बैठ गया था आईलुक क्रिएट करने में। उस वक्त मैं काफी अलग अलग तरीके के आईलुक क्रिएट भी करती थी। अगर आप मुझे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं हमेशा रील और शॉर्ट के थ्रू आपके साथ शेयर करती थी। बट अभी थोड़े टाइम से मेरा फोकस प्रॉपर चला गया है मेरी चैनल को ग्रो करने में। सो दैट्स व्हाई मैं अभी हर रोज अलग अलग वीडियो डाल रही हूँ। तो आज मैंने सोचा आपके साथ आई लुक वाला वीडियो भी शेयर करती हूँ, थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके साथ एक अच्छा सा आई लुक भी शेयर कर दूंगी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था, ग्रीन और ब्लैक कलर का आई लुक सिंपल सा मैंने क्रिएट किया था। उसमें मुझे इतने बकवास कॉमेंट आए थे तो मैंने सोचा अभी तो टाइम है कि हमें अपना हाथ प्रॉपर आई लुक में बैठाना ही बैठाना है, क्योंकि मैंने चाहती कि मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव कॉमेंट असर करे। दैट्स व्हाई अभी मैं चैनल को ग्रो करने के लिए हर रोज एक नया लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करें तो प्लीज मेरे वीडियो को देखिए और शेयर करिए जिनको मेकअप देखना अच्छा लगता है। मैं जो भी प्रोडक्ट ये वीडियो में यूज करूंगी सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लिंक के थ्रू आप प्रोडक्ट देख सकते हो, प्राइस देख सकते हो और अगर परचेस करना चाहो तो परचेस भी कर सकते हो। साथ ही में जो मुझे पहली बार देख रहे हैं जिनके लिए मैं नई हूँ उन्हें मैं बता दूं, हाय माय नेम इज अंकिता। आपको मेरे चैनल पर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन, डीआईवाई बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हो, मेरे वीडियो में आ चुके हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर पाए। चलिए जल्दी से मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि मैंने किस तरीके से आई लुक क्रिएट किया है। आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अच्छे से स्किन केयर और मेरा बेस मेकअप कर लिया है। वो वाले वीडियो आपको यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू और इंस्टाग्राम रील के थ्रू मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाए वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज मैंने रेड कलर का आई लुक करने का सोचा है, कुछ इस तरीके से उसका लुक है जो मैंने ढूंढ के निकला है। आई होप हम यहाँ तक पहुंच पाए। अगर मैं इसका 10-20% भी कर पाए तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो, अगर आपने देखा कि ये वाला लुक मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिए। सबसे पहले तो मैंने ये वाले आई शेडो में जो भी कलर है उसके हिसाब से यहाँ पर चार पैलेट निकाल ली है। सबसे पहले मैंने निकाला है ये मार्स का पैलेट जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर दिखाई दे रहे है, ये दोनों वाले रेड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये कलरफुल आई शेडो पैलेट है बट इसमें रेड के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा कलर नहीं है। और दूसरा मैंने निकाला है एनके का रेड वाला पैलेट जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लाइक ऐसे तरीके से, जिसपे काफी अच्छे अच्छे रेड कलर है और मुझे सबसे ज्यादा ये वाला हेल्पफुल करने वाला है क्योंकि इसमें यही कलर है। दूसरा मैंने रेड के लिए ऑप्शन में एनके का ही पैलेट निकाला है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे जो ये वाला रेड कलर है पीच के आसपास कुछ इस तरीके का, ये मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी हेल्प करेगा। और जो फोर्थ वाला मेरा आई शेडो पैलेट है जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है और वो है मेकअप रेवोल्यूशन का, और इसमें मुझे सिर्फ एक ही रेड कलर दिखाई दे रहा है। आई होप वो भी अच्छे से वर्क करे मेरी स्किन के ऊपर और थोड़ा सा अच्छा सा लुक भी क्रिएट हो पाए। इसमें ब्लैक कलर भी है और इसमें आई शेडो में भी ब्लैक कलर है तो मुझे ये वाला पैलेट थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। इसमें ये वाला रेड कलर है और ये ब्लैक कलर है, ये भी ब्लैक कलर है, ये वाला मैट है, ये वाला शिमरी। अभी देखते हैं कि ये सब पैलेट को मिला के हम किस तरीके का आई लुक क्रिएट कर पाते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं कि नहीं। आप जब भी आई लुक क्रिएट करो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपनी आई के ऊपर अच्छे से कंसीलर लगाना। मैं यूज कर रही हूँ लोरियल का इनफेनेबल कंसीलर जिसमें मेरा शेड नंबर है 314। ये मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइट है, मेरे पास इसका दूसरा वर्जन भी है जो मेरी सेम स्किन के अकॉर्डिंग है, और ये है 317। ये मैंने कम्प्लीटली खत्म कर लिया है, इसका दूसरा भी मेरे पास है और वो भी 317 है। ये ओल्ड पैकेजिंग है और ये वाला न्यू पैकेजिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों काफी अच्छे सेम शेड है बट ये पूरा यूज हो चुका है। अभी ये 317 है जिसको इसको मैं यूज करती हूँ मेरे जो पिंपल्स या दाग धब्बे है उसको छुपाने के लिए, और ये वाला मैं सिर्फ और सिर्फ अंडर आई एंड आई शेडो को अच्छे से इनहेंस करने के लिए यूज करती हूँ। तो आज हम यही वाला आई शेडो सॉरी कंसीलर यूज करेंगे अपनी आंखों के ऊपर। सो यहाँ पर मैं मिरर ले रही हूँ, अपनी सिर्फ एक आई के ऊपर ही मैं पहले आई लुक क्रिएट करूंगी एंड देन दूसरी आंख के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छे से कंसीलर लगा लेंगे लाइक इस तरीके से। जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कफेन लेशिश का स्मॉल कंसीलर ब्रश जिसका नंबर है एफ
01 नैनो, ये काफी अच्छा वाला ब्रश है। इसी की हेल्प से मैं ये वाले कंसीलर को अपने पूरे आईलिड के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अभी इसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं एक बार ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए मैं पाउडर यूज कर रही हूँ, और पाउडर में मैं मेरा न्यू परचेस यूज कर रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना डीप बेकिंग पाउडर, जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक की तरफ सीधे प्रोडक्ट के पास जा सकते हो। जो भी मैं शेड यूज कर रही हूँ सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा। अभी आप मेरी दोनों आंखों में अच्छे से फर्क देख पा रहे होंगे, दैट्स व्हाई हमें कंसीलर और बेकिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने ये वाला ब्रश पिक किया है ब्लैक कलर को, यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। यही वाली मास्क की आई शेडो पैलेट में से मैं ब्लैक कलर लूंगी। यहाँ पर मुझे ब्लैक में दो कलर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा लाइट है और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, तो मैं क्या करूंगी लाइट वाले कलर से पहले एकदम लाइट लाइट ड्रॉ कर लूंगी, एंड देन डार्क वाला कलर उस पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। सो ये वाले ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लैक कलर पिक किया, एंड देन दो बार सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ किया और पूरा अच्छे से लाइन बन चुका है। अभी यही वाले ब्रश की हेल्प से मैं डार्क कलर ब्लैक कलर लूंगी, एंड अच्छे से ये पूरा जो है ना उसको ड्रॉ कर लूंगी। कुछ इस तरीके से मैंने इसको वी शेप में बना लिया है। अभी यही ब्रश की हेल्प से मैं डार्क ब्लैक वाला कलर लूंगी, एंड देन इसको अच्छे से मैं फिल कर लूंगी। अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कफेन लेशिस का आई शेडो स्मजर ब्रश, जिसका नंबर है A006। काफी अच्छा ब्रश है, अगर आप कम प्राइस में कोई अच्छा वाला ब्रश आई शेडो के लिए ढूंढ रहे हो ना, तो आप कफेन लेशिस के सारे ब्रश ले सकते हो। मेरे पास ऑलमोस्ट उनके 5-6 ब्रश है और काफी अच्छे से वर्क भी करते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे करके ब्लेंड करूंगी, क्योंकि ब्लैक कलर है, अगर हमने इसको थोड़ा सा भी हार्श कर दिया ना तो पूरा आई लुक बिगड़ सकता है। देर से मैं इसको एकदम से धीरे धीरे क्रिएट करने की ट्राई करूंगी। अभी मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूँ कफेन लेशिस का, और कलर ले रही हूँ ये मास्क की आई शेडो पैलेट में से, जो यहाँ पर आपको डीप पर्पल कलर वाला दिख रहा है ना, वही कलर मैं लूंगी, क्योंकि मुझे ये मरून के साथ ब्लेंड करने में काफी इजी रहेगा। इसको मैं सिर्फ बीच से शुरू नहीं करूंगी, थोड़ा सा ब्लैक की ओर भी जाऊंगी, एंड ब्लैक के साथ में लेके ये वाला कलर में मर्ज करूंगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। मेरे पास काफी अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है, और वो है PAC ब्रांड का, जिसका नंबर है PAC 174, जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अभी मैं ले रही हूँ NK का पैलेट, और ये डीप रेड वाला या फिर आप मरून वाला जो भी कह लो वो कलर ले रही हूँ। एक्स्ट्रा निकालने के साथ इसको यही वाले कलर के साथ थोड़ा लूंगी और ब्लेंड कर लूंगी, जैसा कि मैंने ब्लैक के साथ किया है। आप दो तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, लाइक इस तरीके से राउंड राउंड पोर्शन में, और इस तरीके से जिग-जिग करके भी। मुझे हमेशा जिग-जिग वाला ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा अच्छा लगता है। मैं राउंड वाले में भी ट्राई करती हूँ, बट मेरी जो ये आईज है ना वो ऊपर हो जाती है, थर्ड टाइम मैं हमेशा जिग-जिग वाला ही ज्यादा प्रिफर करती हूँ। ये देखिए, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैंने डीप पर्पल वाला कलर यूज किया है, उसके आगे डीप मरून कलर यूज किया है, और कॉर्नर में मैंने ब्लैक कलर यूज किया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आई होप कि हम इसको लास्ट में अच्छे से सेट कर पाए। अभी मुझे यूज करना है लाइट रेड कलर, और उसके लिए मैं ये सेम ब्रश यूज कर रही हूँ।
और लाइट रेड कलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला, और मैं सोच रही हूँ कि इसमें प्रॉपर रेड वाला कलर दिया है मेकअप रेवोल्यूशन में, तो मैं भी ये वाला भी, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश के ऊपर हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखते कि किस तरीके से ये आता है। इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे, एक्स्ट्रा निकाल लेंगे एंड देन यहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सेम पैक के ब्रश के साथ इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अभी एक मैं मुझे यहाँ पर आपको एक बात शेयर करनी है। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि ब्रश को पीछे की ओर पकड़ो और फिर ब्लेंड करो। मैंने कई बार ट्राई किया कि यहाँ पकड़ो और इंडियन में ब्लेंड करो, बट यहाँ पकड़ने से मैं जब भी ब्लेंड करती हूँ तो मेरे पूरे ये जो आई का यहाँ पर आईब्रो के पास जो भी स्पेस है ना वहां पर ब्लेंड हो जाता है। थेट साइड में हमेशा यहाँ पर पकड़ती हूँ। आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कंफर्टेबल हो यहाँ पे पकड़ो, बीच में पकड़ो या फिर यहाँ पे पकड़ो, मैं हमेशा यहाँ पे पकड़ती हूँ इस तरीके से। बट आपको जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम देना है। लाइक अगर आप यहाँ पे पकड़ रहे हो ना तो यहाँ पे ये उंगली से आप इस तरीके से सपोर्ट ले लीजिए एंड देन इस तरीके से ब्रश को राउंड राउंड या फिर आप zigzag करके घुमा सकते हो, तो आप अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा और ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। और अगर आप इस तरीके से इसको नजदीक रखोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी आप ब्लेंड करना चाहते हो ना वहां पर ही वो ब्लेंड होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। सो अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये वाली टिप काफी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था। लाइक अभी देख सकते हो आप, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, ये उंगली को यहाँ पे रखा एंड देन मिरर को एकदम यहाँ पर जो मुझे दिखा देता है इस तरीके से इस मिरर को रखा एंड देन इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया। जब मैंने पिंक कलर को अच्छे से मैच किया ना तो मुझे ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज लगे, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो ये लाइट पिंक कलर है ये दोनों को मिक्स करके फिर मैं इनर कलर को अच्छे से फिल इन करूं। उसके लिए मुझे छोटो वाला ब्रश चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर ये छोटा वाला ब्रश ले रही हूँ, उसको अच्छे से यहाँ पर मैं क्लीन कर लूंगी दोनों कलर को अच्छे से। लाइक इस तरीके से मैं ले लूंगी एंड देन एक्स्ट्रा निकाल के इनर कॉर्नर में हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। अभी मुझे ब्लेंडिंग के लिए छोटा ब्रश चाहिए, तो उसके लिए मैं अगेन पैक का छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, जिसका नंबर है PSE 175, और जो बड़ा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है उसका नंबर है 174। तो अभी इसी छोटे वाले ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे से क्रिएट हुआ है, ये मैंने जितना भी किया है ना वो अच्छे से क्रिएट हुआ है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा डार्क है, पीछे थोड़ा सा ब्लैक है, आगे थोड़ा सा लाइट लाइट होता जा रहा है। अभी हमें ऊपर की ओर उसको लेके जाना है, तो यहाँ पर ऊपर लास्ट में ब्राउन है, बीच में थोड़ा सा डार्क और आगे थोड़ा सा रेड वाला है, तो बीच पीछे से ब्राउन शेड हमको लेना है और थोड़ा सा डार्क वाला है। देर से मैं मार्स का पैलेट ही अगेन लूंगी, ये वाला कलर लेना चाहिए जो यहाँ पे दिया है। इसको हम अच्छे से ले लेंगे ब्रश के ऊपर, एक्स्ट्रा निकालेंगे एंड देन ऊपर इसको अच्छे से हम फिल कर लेते हैं, लाइक इस तरीके से। ये देखिए काफी अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है। अभी मुझे लेना है डीप रेड कलर, और मैं एनके पैलेट का जो मैंने कलर लिया था ये वाला, इसी को ये वाले ब्रश के ऊपर लूंगी, एक्स्ट्रा निकालेंगे एंड बीच में उसको फिल करेंगे। अभी क्या करना है, जो ये इस तरीके से शीशे बनेगा ना वहां पे हमको लाइट कलर लेना है। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये पीच वाला लाइट कलर, इसको हम ब्रश के ऊपर ले लेंगे, एक्स्ट्रा निकालेंगे एंड देन इनर कलर से हम इसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे। पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्लेस कर देना है लाइक इस तरीके से एंड देन इसको ब्लेंड करना है यही वाले ब्रश के अंदर जहां पर आपने कलर को पिक किया है। अगर आपको ये तरीका भी नहीं अच्छे से जम रहा तो आप क्या करें, ये आईब्रो को
यानी कि इसको इस तरीके से पकड़ लीजिए ताकि कोई भी क्रीज बीच में ना रहे, एंड देन आप उसको अच्छे से अप्लाई कीजिए लाइक इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ एक हैक भी शेयर करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आई शेडो को ब्लेंड करते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। आपको एक सिंपल सा ईयरबड लेना है और जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लेंड हो चुका है तो इस तरीके से पकड़ के आप वहां पर से उसको निकाल लीजिए, जिस तरीके से मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगी। मैं ये छोटा वाला मिरर ले रही हूँ क्योंकि आई शेडो के वक्त ये छोटा वाला मिरर ही काफी अच्छे से वर्क करता है। ये ब्रश लेना, सॉरी ईयरबड लेना है, एंड देन ये देखिए यहाँ पर काफी अच्छे से कलर आ जाता है। ये लीजिए यहाँ पर मैंने अच्छे से सब कुछ जो मुझे दिखाई दे रहा था वो मैंने निकाल लिया है और इसको अच्छे से अभी मुझे ब्लेंड करना है सब कुछ साथ में। तो मैं क्या करूंगी, मैं बड़ा वाला फ्लफी ब्रश लूंगी केका। अभी इसको मैं बाहर ना जाए उस तरीके से ब्लेंड करना है, नीचे की ओर देखना है, एंड आईब्रो को अप कर लीजिए कुछ इस तरीके से। एंड ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, अगर कोई भी कलर अलग अलग दिख रहा है ना, या यहाँ पर मैंने ब्लैक किया फिर थोड़ा सा ज्यादा पर्पल वाला फिर रेड वाला, तो वो ब्लेंडेबल लगे देर से। एक बार इसको अच्छे से घुमा दीजिए लाइक इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका कलर काफी अच्छे से ब्लेंडेबल दिखेगा। अभी ये वाले आई शेडो वाले में ऊपर सिल्वर कलर का कुछ इस तरीके से क्रिएशन है, उसको भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे पास ये वाला ऑप्शन है। चलिए, मुझे सिल्वर कलर तो मिल चुका है, ये है रोंजिले मेटालिक आइलाइनर। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। काफी कम प्राइस में, काफी अफोर्डेबल रेंज में, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 8 उस तरीके से अलग अलग अवेलेबल है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इन्होंने क्या किया है ना, उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है जिसको मैं ट्राई करूंगी ड्रॉ करने के लिए। पहले थोड़ा 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 करके मैं ट्राई करूंगी एंड फिर उसको अच्छे से फिलअप करूंगी, यानी कि पहले डॉट डॉट करूंगी एंड फिर उसको अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी क्योंकि मुझे डॉट करने हैं। डेढ़ सौ में ये आईलाइनर को अच्छे से यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कलर है ना वो निकाल लूं, क्योंकि मुझे ये पहली बार मैं कर रही हूँ और मुझे नहीं ऐसा लगता कि मुझे इसको बिगाड़ना है, कोई भी नहीं चाहेगा इसको बिगाड़ना। अभी मैंने ड्रॉ तो किया है, अभी देखते हैं इसको अच्छे से हम पूरा, मतलब मैंने डॉट तो अच्छे से कर लिए हैं, अभी देखते हैं कि इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं। इसको मैं वापस एक बार थोड़ा प्रोडक्ट में ले लूंगी अंदर डाल के, एंड देन हम अभी इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मोटा लगा है और मैंने फटाक से कर लिया क्योंकि मेरा हाथ ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था। नीचे मैं इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे इसको थोड़ी देर ड्राई होने देना है। वापिस से मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि जो इधर उधर चला गया है ना मैं उसको अच्छे से प्रॉपर एक शेप में ला दूं। अभी मैं क्या करूंगी, अपनी आईज के ऊपर इस तरीके से ब्रश रखूंगी और देख लूंगी कि अच्छे से कुछ पूरी तरीके से मैंने इसको बिगाड़ दिया है, क्योंकि जहां पर इसको पतला होना था वहां पर मैंने मोटा कर दिया है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से इसको अच्छा करूंगी। चलिए, अभी थोड़ा बहुत हमने अच्छा करने की कोशिश की है, पहले इसको हम ड्राई होने देते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैंने इसको इस तरीके से देखा ना तो वो उतना ज्यादा मोटा नहीं लग रहा है, अगर मैं प्रॉपर नीचे की ओर देखती हूँ तो ही वो ज्यादा मोटा लग रहा है। तो अभी इसी तरीके से हम इसको रहने देते हैं। थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर को एड किया ना उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा कलर और एड करना पड़ेगा, रेड और मरून वाला, तो मैं वही करूंगी। सबसे पहले मैं मरून कलर लेके एक्स्ट्रा निकाल लूंगी एंड यहाँ ऊपर की तरफ से इसको लेके जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, फिर मैं लूंगी पीच वाला कलर और फिर उसको भी मैं ऊपर की ओर लेके जाऊंगी थोड़ा सा। अभी ब्राउन कलर लेना है एंड में मुझे कुछ इस तरीके से, अभी ब्लेंडेबल हुआ है
उतना तो अच्छा नहीं हुआ है, बट अभी मुझे ब्लैक आईलाइनर ड्रॉ करनी है, फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसका लुक खिल के आता है। ब्लैक आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ माय ग्लैम का ये वाला ब्लैक का जल, इसके सारे कलर मेरे पास है और काफी अच्छे से ये वर्क भी करता है। मुझे अभी इसको एकदम पतला पतला लगाना है, डेढ़ से मैं इसको यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसके ब्रिसल्स काफी ज्यादा पतले और थिन है तो हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। आईलाइनर को हमेशा बीच में से ही शुरू करना चाहिए जबकि हम इसको पलकों के पास लगाते हैं तभी। अच्छे से लगा बट एंड में थोड़ा सा बिगड़ गया है, उसको मैं बाद में सेट कर लूंगी। दोनों लाइनर को मैंने जॉइंट कर लिया है, अब इसको हम आगे से फिल कर लेते हैं। मुझे जिस तरीके का पतला लुक चाहिए था वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। एंड में थोड़ा सा बिगड़ा है, उसको मैं थोड़ी देर ड्राई होने दूंगी एंड देन उसको मैं निकालूंगी किसी ना किसी तरीके से। सो अभी मैं ये वाला आई लुक कम्प्लीट कर लेती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। अभी हमें इनर कॉर्नर सॉरी लोअर साइड पे इसको अच्छे से फिल इन करना है। उसके लिए मैं ब्रश यूज कर रही हूँ मार्स का E03, काफी अच्छा वाला ये ब्रश है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले डीप रेड कलर लूंगी एंड उसको आउटर कॉर्नर से अंदर की तरफ लेके आऊंगी। अभी मैं लूंगी थोड़ा सा रेड वाला कलर और फिर उसको इनर कॉर्नर से बाहर की ओर लेके जाऊंगी। फाइनली मैंने दोनों आंखों के ऊपर अच्छे से आई शेडो क्रिएट कर लिया है। जब मैंने ये वाला आई लुक क्रिएट किया और ये सिल्वर वाला लाइनर थोड़ा सा बिगड़ गया, सेम उसी तरीके से जब मैंने ये वाली आंख के ऊपर अच्छे से आई शेडो क्रिएट किया, पूरा आई शेडो अच्छे से क्रिएट हुआ बट जो ये सिल्वर वाला लाइन है वो थोड़ा सा बिगड़ा। बट कोई बात नहीं, मैं पहली बार ये वाला ट्राई कर रही थी और इतना तो बिगड़ना बनता है, थोड़ा बहुत मैं वहां तक पहुंच पाई हूँ। अभी हम आई लुक तो हमने अच्छे से क्रिएट कर लिया बट थोड़ा सा अभी और बाकी है। हम सबसे पहले आईब्रो फिलिंग कर लेंगे, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लियर की पेंसिल और इसमें मेरा शेड नंबर है 03 मीडियम ब्राउन। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शूट करके डाल दिया है यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू और इंस्टाग्राम रील के थ्रू, आप एक बार जाके जरूर चेक कर। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको यहां से ड्रॉ करना है लाइन इस तरीके से और यहां से ड्रॉ करना है, बट आपको सबसे पहले करना है ये आईब्रो को नीचे। मेरा आईब्रो नीचे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी बनवाया है और मेरा ग्रोथ काफी अच्छा है। आपको इस तरीके से नीचे करना है अपना आईब्रो एंड देन जहां पर भी आपको गैप दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से फिल इन करना है लाइक ऐसे। फिर आपको यह स्प्री ब्रश की हेल्प से इसको इस तरीके से वापिस से अच्छे से सेट करना है लाइक ऐसे। ये सिंपल से सिंपल वे है आईब्रो को अच्छे से क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हो काफी अच्छे से आईब्रो क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे यूज करना है काजल, उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ रिकॉर्ड का ये व्हाइट वाला काजल जो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी 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 अच्छे से ये इजिली आंख के ऊपर लग भी जाता है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए काफी अच्छे से लगा, मैंने आज व्हाइट वाला काजल इसके लिए लगाया क्योंकि ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर चूज किया है, लाइनर ब्लैक लगाया। अगर मैं काजल में ब्लैक लगाती तो मेरी आंखें दिखती नहीं और भी ज्यादा डार्क डार्क हो जाती, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर देखने से, कि मैंने व्हाइट वाला काजल लगाया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी व्हाइट वाला काजल लगा लिया, अभी मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लगाना बाकी है और वो है मस्कारा। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया आपको मिल जाएगी। अभी हम इसको अच्छे से लगा लेते हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी हम मस्कारा अप्लाई करते हैं आपको बिल्कुल ही चुप हो जाना है और अच्छे से मस्कारा को अप्लाई करना है। ये देखिए काफी अच्छे से मैंने मस्कारा को लगा लिया है। ये वाला जो मैंने आईलुक आपको दिखाया था उसमें उन्होंने आईलैशेस भी लगाई बट मुझे उतने अच्छे से आईलैशेस लगानी नहीं आती और मैं नहीं चाहती कि अभी और मेरा आईलुक बिगड़े, देर से मैं वो पार्ट स्किप कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा आईलुक कम्प्लीटली खत्म होता है। अभी फाइनली जब मैंने ये वाला आईलुक देखा तो मुझे यहाँ पर हाइलाइटर मिसिंग लगा, तो मैं मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से जो ये वाला रोज गोल्ड कलर है उसको एज अ हाइलाइटर मैं आज यूज करने वाली हूँ। ब्रश के ऊपर अच्छे से ले लेंगे हम इसको एंड देन अपना जो कॉर्नर है यहाँ पे उसको लगा लेंगे अच्छे से।
काफी अच्छे से ये लगा है, तो मतलब कि ये काफी पिगमेंटेड आई शेडो है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे बताइए। अभी बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है इनकी वेबसाइट पे, यानी कि हॉक मेकअप पे, तो आप एक बार मुझे बताइए, मैं आपके साथ डेफिनेटली हॉक मेकअप वाला वीडियो शेयर करूंगी। मैंने अभी फोन में ये वाला आई लुक देखा और मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी वहां तक पहुंच पाई हूँ, और मैंने थोड़ा सा बिगाड़ भी दिया है ये सिल्वर वाली आईलाइनर क्रिएट करने के लिए। तो अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे पास ना ग्लिटर है, ये है दोनों स्विस ब्यूटी के ग्लिटर, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा ग्लिटर वाला पार्ट लगा दूं यहाँ पे, तो वो काफी अच्छे से पूरा जो बिगड़ा हुआ लुक दिख रहा है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो भी सोच रही हूँ कि इनमें से कोई एक अच्छा सा लगा दूं मैं। जैसे कि आपको पता है मैंने ये दोनों कलर निकाले थे, बट ये थोड़ा सा कॉपर साइड पे और ये प्रॉपर सिल्वर साइड पे है, ये प्रॉपर सिल्वर है, ये थोड़ा सा कॉपर साइड पे है, तो मैं सोच रही हूँ कॉपर वाला थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा रेड के ऊपर, तो हम इसको निकालते हैं एंड अपनी आंखों के ऊपर पूरी लिड के ऊपर इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। मैं पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ ताकि ज्यादा ना लगे, बीच में से एंड की तरफ जाएंगे, आगे थोड़ा सा हम ऐसे ही जो कलर हमने फील किया है उसको ऐसे ही रहने देंगे। काफी अच्छे से मैंने आधे पोर्शन में कलर को अप्लाई, यानी कि ग्लिटर को अप्लाई कर लिया है। अभी मैं मार्स के ये वाला ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूंगी, लाइक इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चिपका दूंगी जो भी होगा ब्रश में, ताकि वो पार्ट खाली ना लगे। ये देखिए काफी अच्छा लुक अभी दिख रहा है, मुझे तो काफी ये वाला अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छे से उसको सेट कर लिया। आपको क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों आंखों का क्लोजअप लेने की ट्राई करूंगी, दोनों आंखों को आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हुआ था और अभी कैसा लग रहा है। अभी आधे पोर्शन में आपको लगाना है एंड फिर आपको क्या करना है, मैंने जो आपको बताया मार्स का ब्रश उसी की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, लाइक इस तरीके से। और जो आगे का पार्ट पूरा खाली है वहां पर आपको इसको फिलिंग करना है, ताकि वो थोड़ा सा लाइट रहे और पीछे थोड़ा सा डार्क हो जाए। यही था मेरा सिंपल सा आई लुक वाला वीडियो। मैं कुछ और ट्राई करना चाहती थी बट कुछ और बन गया है। यही जिंदगी है, हम जो चाहते हैं वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता, और जब भी मिलता है तो उसकी खुशी कुछ ज्यादा ही होती है। इसी तरीके से मैं हमेशा ट्राई करती रहूंगी अलग अलग आई शेडो को क्रिएट करने के लिए, और मे भी एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा आई शेडो मैंने आपके साथ शो किया है वैसा सेम मैं आपके साथ क्रिएट करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल के साथ में जिनको मेकअप का शौक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।